डॉक्टर कुंदा शाहने एमएस ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया। फॉक्सी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग बेसिक एंड एडवांस अल्ट्रासाउंड के लिए भी लिया। फेलो फीटल मेडिसिन, जहां पर उन्होंने फेलोशिप एट श्रीमती एनएचएल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी से किया। एडोलसेंट गायनोकोलॉजी, इंडियन पीडियाट्रिक सोसाइटी, इंडियन कम्युनिटी मेडिसिन, इन जैसे विषयों पर क्विज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और साथ ही अवार्ड्स भी हासिल किए। कई रिसर्च के बाद कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप पे भी हिस्सा लिया और अब वे अपना सफल क्लिनिक योग लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स मोदी नंबर 1 सीताबर्डी नागपुर में अपना सफल क्लिनिक चला रहे हैं। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में डिजीज को डिस्कस करने के लिए आई हैं डॉक्टर कुंदा शाहने जी, जो कि एक फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट हैं। हमें बताएंगे कि किस तरह से की जाती है फीटल मेडिसिन की ट्रीटमेंट। आइए उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि फीटल मेडिसिन क्या है, क्योंकि ये नया वर्ड है और इसमें क्या होता है। सबसे पहले मैं आपके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिया है, ताकि मैं इस न्यू सब्जेक्ट को आपके साथ और इन जनरल पब्लिक को अवेयरनेस के हिसाब से एजुकेट कर सकूं। जैसे फीटल मेडिसिन ये नई सुपर स्पेशलाइज ब्रांच है, जिसमें जो गर्भस्थ शिशु रहता है पूरे, जैसे प्रेगनेंसी रहती है तब से लेके 9 मंथ्स तक, पहले जैसे लगता था पूरे 9 मंथ्स कुछ भी नहीं होता है, बेबी डिलीवर होता था, पर अभी का जो एरा है, अपनी लाइफस्टाइल है, इसके वजह से बहुत सारे चेंजेस अपने शरीर में होते हैं। उसकी वजह से प्रेगनेंसी, जैसे अभी जैसे गर्ल्स प्रेग्नेंट लेट रहती है, एडवांस मैटरनल एज होता है 35 के ज्यादा, तो ये कॉम्प्लिकेशंस और कंजेनाइटल एनोमलीज ये ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन में हम लोग फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट की बहुत ज्यादा जरूरत आ गई है। जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं, उसकी वजह से हम लोग न्यू थिंग्स डायग्नोसिस कर सकते हैं। एंटीनेटली जैसे फर्स्ट, जैसे ही प्रेगनेंसी रहती है 3 महीने से लेके पूरे 9 महीने तक पूरा डायग्नोसिस करके, ट्रीटमेंट करके हम उसकी हेल्दी बेबी और हेल्दी मदर ये नॉर्म सक्सेसफुल करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि पता चलता है कंसीव किया है, बेबी है, तो उसके बाद हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास तो जाते ही है, तो इसके अलावा भी ये है फीटल मेडिसिन। हाँ, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जैसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो प्रेगनेंसी 2 टाइप की रहती है, जैसे एक लो रिस्क रहता है जिसमें रिस्क बहुत कम रहता है, और एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है जिसमें बहुत सारे चीजें प्रेगनेंसी रिलेटेड, फीटस रिलेटेड, जो अनबॉर्न बेबी होता है उसको हम लोग फीटस बोलते हैं। जैसे ही वो बनता है अंदर 9 महीने तक हम लोग उसको फीटस बोलते हैं। जब भी फीटस मोस्टली हेल्दी ही रहते हैं, 90% फीटस जो रहते हैं गर्भस्थ शिशु वो नॉर्मल रहते हैं, पर जो 10% फीटसेस है उनको ये स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। जैसे अभी के एरा में हम लोग देखते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल इतनी बिजी, स्ट्रेसफुल, इतने प्रॉब्लम्स जैसे आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डाइट, डायबिटिक मदर होती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहते हैं, लेट प्रेगनेंसीज रहते हैं, कभी कभी टेस्ट ट्यूब बेबी करके प्रेगनेंसी रखना पड़ता है जिनको प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो इसमें ये जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो 5% लोगों में पाए जाते हैं, पर 5% भी ये बहुत होता है कि एक फैमिली को हम लोग हेल्दी बेबी नहीं दे सकते हैं, तो 5% के लिए भी क्यों ना हो ये फीटल मेडिसिन या कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। कोई भी जैसे स्कैन करते हैं हम लोग पहले 3 महीने का 5 महीने का, पहले ऐसे था कि हम लोग डायरेक्टली 5 महीने का स्कैन करते थे और तब हम लोग देखते थे कि कुछ प्रॉब्लम बच्चे में आई है तो सीधा गिरा देते थे, पर अभी हम लोग यही स्कैन 3 महीने में कर सकते हैं। 3 महीने में हम लोग मति मंदत्व का 95% स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अच्छा। कुछ भी प्रीनेटल अगर टेस्टिंग करना है तो वो 3 महीने में हम लोग कर सकते हैं, कि हमको पता चलता है कि 3 महीने में हमारा बेबी नॉर्मल है कि नहीं। किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से हमको फीटल मेडिसिन की जरूरत पड़ती है? जैसे ही कोई कंसीव होता है, अगर वो प्रेग्नेंट लेडी लो रिस्क भी है तो भी उसमें डाउन सिंड्रोम रह सकता है। ठीक है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो फैमिली रिलेटेड है,
जैसे सिकल सेल, बीटा थैलेसेमिया, वो और कोई ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव डिसऑर्डर्स रहते हैं जो रंगसूत्र से आते हैं बच्चे में, या फिर कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, मदर को हाई बीपी का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, या और कई जैसे ऑटो इम्यून, ऑटो एंटीबॉडीज, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की मदर्स हो जिनमें बेबी कंसीव भी नहीं होता है और कंसीव हुआ तो भी वो पहले से सिक रहता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर अर्ली हम लोग इंटरवेन करते हैं, डायग्नोसिस करते है, तो प्रॉपर टाइम में हम लोग ट्रीटमेंट करके बेबी को लाइव पैदा कर सकते हैं। जैसे अभी न्योनेटल जितना एडवांस चल रहा है, तो हम लोग अगर पहले बेबी 9वें महीने में ही डिलीवरी करने की जरूरत पड़ती थी, पर अभी अगर बेबी को अंदर का मदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो के अंदर का वो अगर प्रॉपर ना हो तो बच्चा 8वें 9वें महीने में अंदर ही मर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि ये बच्चा 9वें 8वें महीने में मरने वाला है, तो उसको हम 8वें महीने में ही बाहर निकाल के उसको NICU में रख के उसको बचा सकते हैं। ऐसे बहुत केसेस होते हैं जो जैसे 8 बार 9 बार बेबी अंदर ही खत्म हो जाता है, कितनों के 4-4 5-5 सीजर हो जाते हैं और बेबी मरा हुआ पैदा आता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पहले से देख सकते हैं कि ये बेबी सिक है। हमारा काम ये है कि ये बेबी सिक है कि नॉर्मल है, वो पहले 3 महीने में ही फाइंड आउट करो। उसके अकॉर्डिंग किसी बेबी को अगर फिटस को फॉलोअप की जरूरत पड़ती है कि ऐसे जैसे हम लोग 3 महीने में ही डायग्नोसिस कर लेते हैं कोई चीज, तो उसको फॉलोअप महीने में लगता है, 15 दिन में लगता है, अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं ताकि प्रॉपर टाइम पे हम लोग इंटरवेंशन कर सके, इन द फॉर्म की हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं बेबी को अंदर ही। अच्छा, ब्लड दे सकते हैं, सर्जरीज भी कर सकते हैं 5वें महीने में। बेबी पैदा होने के पहले जो फीटस होता है और उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी ट्रीटमेंट आप देती है? हाँ, जी। अभी आपने जैसे IVF के बारे में बताया, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताया है, उसके बारे में मुझे थोड़ा डिटेल में जानकारी दीजिए। ओके, जैसे जिन कपल्स को आफ्टर 1 ईयर बच्चा नहीं रहता है तो उनको हम लोग इनफर्टाइल कपल बोलते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे मेल फैक्टर, मतलब औरत को प्रॉब्लम हो या जेंट्स को प्रॉब्लम हो, अकॉर्डिंगली हम लोग पूरा उनका इवैल्यूएशन करते हैं। उसमें अगर हमको पता चलता है कि जिसमें प्रॉब्लम हो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, पर फिर भी अगर बहुत सारे कॉजेस रहते हैं जिसमें प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है नेचुरली या स्पॉन्टेनियसली अपने आप, तो इसमें हम लोग बच्चे को बाहर बना के वो हम लोग गर्भ पिशवी में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF ट्रीटमेंट। तो IVF ट्रीटमेंट जो होता है ये ऑलरेडी हाई रिस्क में आता है, कैटेगरी में आता है। ये जो IVF के बेबीज रहते हैं ये मोस्टली इसमें सिंगल से ज्यादा ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होता है। अगर 2 भी बच्चे रहे एट अ टाइम तो उसमें बच्चे का सर्कुलेशन एक को कम मिलेगा, एक को ज्यादा रहेगा, ऐसे भी रह सकता है, तो इसमें भी हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होते हैं, वो भी आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे नॉर्मल पब्लिक में जो होता है कंजेनिटल एनोमलीज का रेट 1-5% होता है, पर IVF में वो बढ़ के 10-15% तक जा सकता है, क्योंकि जैसे कोई भी आर्टिफिशियल चीज हम लोग करते हैं तो उसमें उसके डिसएडवांटेजेस रहते ही है, तो वो डिसएडवांटेजेस हमको अवॉइड करने के लिए उसको पहले ही हम अर्लीस्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड इफ पॉसिबल प्रिवेंशन भी हम लोग इस चीज से कर सकते हैं, क्योंकि IVF प्रेगनेंसी ये ऑलवेज इट इज ऑलवेज अ प्रेशियस प्रेगनेंसी, और अदर हर प्रेगनेंसी को हम लोग प्रेशियस ही कहेंगे, क्योंकि अभी के एरा में जैसे कितने कम न्यूक्लियर फैमिलीज है, 1 या 2 बच्चे से ज्यादा कोई रखना नहीं चाहता है, तो 2 बच्चे हेल्दी हो तो सोसाइटी बर्डन भी कम हो जाएगा और कपल भी उनका भी बर्डन कम हो जाएगा कि नहीं हमारा बेबी नॉर्मल है, मेंटली रिटार्डेड नहीं है या फिर कोई व्यंग नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली उसको हेल्दी फैमिली के लिए, हेल्दी बच्चे के लिए फीटल मेडिसिन बहुत ज्यादा जरूरी है। जी डेफिनेटली। दोस्तों यहाँ वक्त हो चला है ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज इंडिया। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई एक सेल से जब पूरा बच्चा बनता है तो एक सेल सफिशिएंट नहीं होता है, वो डिवाइड होता है। जेनेटिक का मटेरियल जो रहता है वो DNA डिवाइड होता है, तभी जाके पूरा बच्चा बन सकता है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ इस प्रोग्राम में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
मैम आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि बच्चे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर होती है तो इसमें जेनेटिक्स का क्या रोल है, कितना इम्पोर्टेंस होता है, क्या मदर फादर में अगर किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम है तभी बच्चे में होती है, या फिर मदर फादर अगर नॉर्मल है तब भी बच्चे में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं इस बारे में जानना चाहूँगी। जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी दो तरह की हो सकती है, एक तो मदर फादर या फैमिली इनहेरिटेड तरीके से आ सकती है, दूसरी प्रॉब्लम है कि जब बच्चा बनता है, जैसे एक मदर का सेल और एक फादर का सेल जब बनता है तो वो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई एक सेल से जब पूरा बच्चा बनता है तो एक सेल सफिशिएंट नहीं होता है, वो डिवाइड होता है, जेनेटिक का मटेरियल जो रहता है वो डीएनए डिवाइड होता है, तभी जाके पूरा बच्चा बन सकता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, कुछ कम होते हैं, तो ऐसे वो दैट इज कॉल्ड एज दैट द चांस ऑफ प्रेगनेंसी फॉर क्रोमोसोमल अन्यूप्लॉइडिस, उसको हम लोग अन्यूप्लॉइडिस बोलते हैं, जिसमें नॉर्मल जैसे क्रोमोसोम हमारे 46 रहते हैं, 23 पेयर्स, तो वो नॉर्मल ना बनते हुए उसमें कम या ज्यादा बन सकते हैं, ठीक है, जैसे 46 की जगह 69 बन सकते हैं, तो वो प्रेगनेंसी का चांस होता है, जब भी वो बनता है जेनेटिक लेवल पे बच्चा बनता है तो वो प्रेगनेंसी के चांस जैसे डिसकॉन्जुगेशन या डाउन सिंड्रोम, मेंटली रिटार्डेड बेबी, एडवर्स सिंड्रोम, जैसे ट्राइजोमी 18, हर क्रोमोसोम के इसमें दो दो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहती है, अगर उनकी जगह तीन रहती है तो उसको ट्राइजोमिस बोलते हैं, जो कॉमनली दिखाई देते हैं, जैसे डाउन्स होता है ट्राइजोमी 21 बोलते हैं, एडवर्ड ट्राइजोमी 18 या पटाउस ट्राइजोमी 13, टर्नर्स 45X0, ऐसे क्रोमोसोमल पैटर्न आ सकते हैं, तो वो प्रेगनेंसी का चांस हो सकता है। दूसरा एक तरीका होता है कि माँ बाप से या फिर फैमिली से उसको वो जीन मिल रहा है, डिफेक्टिव जीन मिल रहा हो, जैसे सिकल सेल है, बीटा थैलेसीमिया है, ब्लड डिसऑर्डर्स है, अकोंड्रोप्लेजिया है, जैसे छोटे आपने देखे होंगे ड्वार्फ लोग रहते हैं जो सर्कस में वगैरह काम करते हैं ना, एकदम छोटे, सोशली उनको प्रॉब्लम होता है, या फिर और कई तरीके के जो माइन्यूट डिलीशंस होते हैं जिसमें मेंटली रिटार्डेशन रहता है, फेस एबनॉर्मल रह सकता है, हार्ट की मेजर प्रॉब्लम रह सकती है, किडनी एब्सेंट रह सकती है, ये सब क्रोमोसोमली या रंग सूत्रों की खामी की वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम बच्चों में आ सकता है। मैं आगे ये पूछना चाहूंगी, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन जो होता है वो क्यों इतना जरूरी है, क्या इसी समय पता चलता है कि फीटस को किस तरह की प्रॉब्लम है? हाँ, मोस्टली 90% हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन में, जैसे हमको पता रहता है कि पहले के प्रेगनेंसी में और कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन करने के बाद हम लोग बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन में मेनली लीथल एनोमलीज जिसे बोलते हैं, जैसे बच्चे का ब्रेन बना नहीं है, हाथ पर बने नहीं है, हार्ट में मेजर प्रॉब्लम है, तो ऐसे सब पहले 3 महीने में हम लोग स्क्रीन आउट कर सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है मोस्टली। अच्छा। ठीक है, उसके उसमें हम लोग जैसे मतिमंदत्व, कोई मतिमंद बच्चा किसी को होता है तो वो एक सोसाइटी का बर्डन रहता है, पहले ये स्कैन इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जैसे पिरामिड था एंटीनेटल केयर का वो 20 वीक से स्टार्ट होता था, पर अभी इट इज टर्न्ड अप द पिरामिड, जैसे हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करते हैं, मोस्टली 90% इवैल्यूएशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है कि ये बेबी डाउन्स नहीं है, इसको कुछ रंग सूत्रों की खामी 95% हम लोग स्क्रीन आउट कर सकते हैं। अच्छा। ये बेबी को लीथल एनोमली नहीं है, हमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, ये हम पता कर सकते हैं। फिर भी जैसे मदर हाई रिस्क हो, एज ज्यादा हो, तो मदर को बीपी का तकलीफ या ऐसे कुछ होगा लेटर प्रेगनेंसी में, ये हम लोग पहले से जान सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें डॉपलर भी इन्वॉल्व करते हैं कि मदर से बच्चे की तरफ जो ब्लड सप्लाई जा रहा है वो नॉर्मल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो काफी चीजें हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक्स जैसे कंप्लीट होता है उसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डॉपलर स्कैन आपने बताया है उसके बारे में जानकारी दीजिए। डॉपलर में कैसे होता है, जैसे हमारी डॉपलर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं पूरे प्रेगनेंसी में, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो डॉपलर होता है वो स्क्रीनिंग पर्पस के लिए होता है कि ये जो प्रेग्नेंट लेडी है वो लो रिस्क है कि हाई रिस्क है। अगर डॉपलर एबनॉर्मल आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हम लोग यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करते हैं, जैसे मदर
की तरफ से बच्चे को जो न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलना चाहिए वो नॉर्मल है कि नहीं है। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो फ्यूचर प्रेगनेंसी में, वही प्रेगनेंसी में बच्चा कमजोर होने की, बच्चा अंदर ही खत्म हो जाने की, मदर को बीपी लेटर ऑन प्रेगनेंसी में बीपी रहने की शक्यता है, हम लोग पहले से फाइंड आउट करके प्रिवेंशन कर सकते हैं। जी जी, मैं ये 3D 4D सोनोग्राफी के बारे में जानना चाहूंगी। 3D 4D सोनोग्राफी ये अभी रिसेंट अली टेक्नोलॉजी की पार्ट है। इसमें हम लोग एक्चुअली ये जो जैसे मिसनॉमर है कि सिर्फ 3D 4D मतलब बच्चा पूरा दिखेगा, ओनली इट इज नॉट फॉर द इमोशनल बॉन्डिंग कि मदर फादर को देखना है बच्चा अच्छा है 3D 4D में देख लिया, ये ओनली यही एक पार्ट नहीं है। इसके अलावा हम लोग 3D 4D से बहुत सारी स्ट्रक्चरल और जो सरफेस एनामोलीज होती है, जैसे लिप्स जो होते हैं वो फटे हुए लिप्स, यहाँ का जो टालू होता है वो फटा हुआ वो डिटेक्ट कर सकते हैं, आंखों की ऑर्बिट्स वगैरह जो है, कान बना नहीं है अच्छे से वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उंगलियां बराबर है कि नहीं, पैरों की उंगलियां बराबर है कि नहीं वो हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके अलावा हार्ट का भी जो होता है इन्वर्शन मोड 3D 4D में, उसमें हार्ट की सारी वेसल्स बराबर बराबर जगह से निकल रही है, नॉर्मल है कि नहीं वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और एज अ पार्ट ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग कि मदर और फादर को अच्छा लगता है कि 5वें 6वें महीने में हमारा बेबी ऐसे दिख रहा है, तो बॉन्डिंग बनती है इमोशनल बॉन्डिंग किया जाता है ये। हाँ, ये 5वें 6वें महीने में हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। दैट मीन्स बेबी गर्भाशय में किस तरह का है वो हम देख सकते हैं। हाँ, वो जैसे मिरेकल जैसे होता है, थंब सकिंग देख सकते हैं, स्माइलिंग देख सकते हैं, आई ओपनिंग देख सकते हैं, जैसे जितना स्लीपिंग बेबी, योनिंग बेबी, ये सब दैट इज ऑल फॉर द बॉन्डिंग ऑफ द फैमिली विद द फीटस। जैसे पहले से मतलब बाहर आने से पहले ही हम लोग अपने बच्चे को देख सकते हैं कि क्या कर रहा है अंदर, वो सब देख सकते हैं 3D 4D। जी बिल्कुल। दोस्तों, यहाँ वक्त तो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम जानते हैं उन पेरेंट्स की राय जिन बच्चों को इस तरह की समस्या हुई, या फिर जिन्होंने फीटल मेडिसिन लेकर खुद को या खुद के बच्चे को हेल्दी लाइफ दी। आइए चलिए उनकी राय जानते हैं। मला सिकल सेल आहे, AS पॅटर्न, आणि लग्नानंतर मला कळलं की माझ्या वाईफला पण AS पॅटर्न आहे सिकल सेलचं। सो आई बाबांकडनं ती डिझीज जेनेटिकली बाळाला ट्रान्सफर होते, म्हणून आम्हाला वाईल प्रेग्नन्सी आम्हाला ते जाणून घ्यायचंच होतं की बाळाला पण आमच्यासारखा AS पॅटर्न आहे की SS आहे। म्हणून आम्ही मुडिक सरांना कन्सल्ट केलं, त्यांनी मॅडमचा रेफरन्स दिला, कुंदा शहाणे मॅडमचा, आम्ही इथे येऊन ती टेस्ट केली आणि आम्हाला कळलं की बाळही आमच्यासारखंच नॉर्मल आहे, AS पॅटर्न आहे। सो आम्ही हॅपीली ती प्रेग्नन्सी कॅरी फॉरवर्ड करतोय, आणि लोकांनाही आम्ही सजेस्ट करू की जर तुम्हाला जेनेटिकली काही डिझीज असतील तर तुम्ही हे टेस्ट करा, म्हणजे तुम्हाला आधीच कळेल की प्रेग्नन्सी कॅरी फॉरवर्ड करायची आहे नाही करायची आहे। मी बाय बर्थ अकोंड्रोप्लाजी आहे, माझे आई बाबा नॉर्मल आहेत तरी पण मी बाय बर्थ अकोंड्रोप्लाजी आहे, आणि हे अकोंड्रोप्लाजिया जेनेटिक म्युटेशनमुळे झालेलं आहे। आता माझं लग्न झालेलं आहे, तर लग्नाच्या नंतर मला अशी भीती होती की माझ्या होणारे बाळ हे सुद्धा माझ्यासारखं राहू शकतं। कुंदा शहाणे मॅडमकडे आल्यावर मला असं माहीत पडलं की बाळ जन्माच्या अगोदर आपल्याला माहीत असू शकते की बाळ कसं आहे आणि कसं नाही। मॅडमच्या सल्ल्यामुळे मग मी ते जेनेटिक टेस्टिंग वगैरे केली 3 महिन्यानंतर। 3 महिन्याच्या टेस्टिंग नंतर आम्हाला माहीत पडलं की जे होणारे बाळ आहे ते नॉर्मल आहे आणि आपण त्यांना कॅरी फॉरवर्ड करू शकतो बाळाला। सोनोग्राफी करके, डॉपलर करके मैं पता करूंगी कि ये स्टेज पे बच्चे को जरूरत है, तो 9 महीने 8.5 या 9 महीने तक मैं उसको अंदर ही ब्लड दे के बचाने की कोशिश करूंगी। और स्वागत है आप सभी का एक बार ब्रेक के बाद फिर। आइए चलिए जानते हैं कि आगे हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। मैम, मैं आगे जानना चाहूँगी कि इस तरह के पेशेंट्स जब आपके पास आते हैं तो किस तरह की उनकी सिचुएशन होती है या किस तरह के केसेस आपने अभी तक फेस किए हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि RH incompatibility जो होता है डिसीज, जिसमें RH नेगेटिव मदर होती है और उसका हस्बैंड RH पॉजिटिव होता है, RH अपना जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें
एक तो जैसे किसी का बी पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है, तो उसी में जो ये जो पॉजिटिव फैक्टर होता है रिसेस मंकी, किसी किसी में निगेटिव हो सकता है, ठीक है। अगर मदर निगेटिव होती है और फादर पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मोस्टली कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, पर अगर डिलीवरी होने के बाद मदर को एंटीडी ना मिले, मतलब जो फादर, अगर बेबी पॉजिटिव होता है अंदर, तो मदर के शरीर में वो पॉजिटिव की एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज की वजह से वो बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है, पर फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसे नहीं होता है क्योंकि एंटीबॉडीज का प्रमाण कम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी होने के बाद हम लोग उसको एंटीडी का इंजेक्शन देते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज हम लोग मदर के शरीर से खत्म कर सके। सेकंड प्रेगनेंसी का बेबी होता है, उसको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है कि मदर की एंटीबॉडीज जो बेबी के अगेंस्ट मदर में बनी है वो बेबी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, बेबी अंदर ही खत्म हो सकता है। तो ऐसे इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं यूजुअली कि उनके एक बेबी अंदर ही खत्म हो गया, दूसरा बेबी हो गया, चार चार नौ नौ दस दस बेबी अंदर ही खत्म हो गए हैं। फिर इलेवेंथ टाइम जब वो आती है, मतलब गांव के या फिर कई रिमोट एरियाज के पेशेंट्स होते हैं, पर उनको अभी बेबी चाहिए होता है, खुद का ही बेबी चाहिए होता है, लाइफ बेबी चाहिए होता है, तो वो आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग थर्ड फोर्थ मंथ से ही देखते हैं कि बच्चे की कंडीशन क्या है। अगर बच्चे ये जो एंटीबॉडीज है बच्चे के खून के जो पेशीज होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, तो बच्चे में ब्लड की कमी होती है अंदर ही, तो बच्चे में ब्लड की कमी अगर अंदर होती है तो बच्चे का हार्ट फेल होके बच्चा अर्लीएस्ट अंदर ही मर जाता है, पेट के अंदर, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं डायग्नोस करती हूँ कि फर्स्ट थ्री मंथ्स में मुझे पता चल गया है कि बच्चे को एनीमिया स्टार्ट हो गया है, तब से ही मैं बच्चे को खून दूंगी, पेट के अंदर ही खून देके 9 महीने तक मैं उसको खून जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी सोनोग्राफी करके डॉपलर करके मैं पता करूंगी कि ये स्टेज पे बच्चे को जरूरत है, तो 9 महीने 8.5 या 9 महीने तक मैं उसको अंदर ही ब्लड देके बचाने की कोशिश करूंगी। और एक बार बच्चा मतलब 9 महीने का हो गया, उसको बाहर हम लोग लेके आते हैं, तो ये जो एनीमिया की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम होने की प्रॉब्लम है या खून न बनने की प्रॉब्लम है, ऐसी अगर समस्या होती है तो गर्भाशय के अंदर ही बच्चों को ब्लड दे सकते हैं, दे सकते और वो नॉर्मल फीटस डेवलप होके एक नॉर्मल बच्चा पैदा होगा डेफिनेटली। और उसके बाद क्या फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है या फिर वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि उसको बच्चे को प्रॉब्लम तब है जो वो मदर के वोम में है, वो बाहर आते ही उसका खुद का इंडिपेंडेंट स्टेटस चालू हो जाएगा, खुद के ब्लड फॉर्म चालू हो जाएंगे, वहाँ पे उसको कुछ एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं रहेंगे। तो इस केसेस में अगर 9 महीने तक भी हम लोग ले जाते हैं तो भी इट इज अ मिरेकल थिंग फॉर द बेबी। आगे और किस तरह के केसेस आपने देखे हैं? अच्छा, ये जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हम लोग मतलब बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। दूसरा हम लोग ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन जो रहता है IVF का, दो बच्चे एक साथ रहते हैं, एक को कम ब्लड मिलता है, एक को ज्यादा मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उनका ब्लड सर्कुलेशन सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बेबी कमजोर होके मरने की कंडीशन में है और दूसरा बेबी बहुत ब्लड मिल रहा है, उसका हार्ट फेल्योर हो रहा है, तो ये जो डिस्पैरिटी होती है ब्लड सर्कुलेशन में उसको हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं। उसका भी डायग्नोसिस अर्लीएस्ट हमको करना है, जैसे हमको पता है कि 5 वीक्स हो गए हैं, फर्स्ट मतलब 1.5 महीना हो गया है कंसीव करके, हमारे पास पेशेंट आती है, हम डायग्नोस करते हैं कि नहीं ये मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी है जिसमें एक ही प्लेसेंटा है जो दोनों को सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे इसमें है ना ब्लड वेसल्स जो बनती है एक को ज्यादा सप्लाई देती है एक को कम, तो ऐसे इसमें सर्कुलेशन हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, सर्जिकली लेजर एब्लेशन इसको बोलते हैं, तो दोनों का सेपरेट करके एकदम लाइफ नॉर्मल बेबी हम लोग करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की समस्या ना हो उसके लिए हमें प्री प्रेगनेंसी एडवाइस या फिर आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे ऐसी प्रॉब्लम्स वो ना फेस कर सके या फिर फीटल मेडिसिन की वैल्यू को समझें और जैसे ही कंसीव करते हैं ये ट्रीटमेंट ले, आप दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? देखो, मैसेज मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे ही एक्सपेक्टेंट मदर फादर होते हैं उन्होंने पूरा प्रेगनेंसी का फॉलोअप स्टार्ट फ्रॉम द
कंसीविंग जैसे प्रेगनेंसी रहती है तब से 9 महीने तक अपना बेबी हेल्दी है, ये हेल्दी है या नहीं है ये हमें पता करना चाहिए। जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे 12 वीक्स कंप्लीट होते ही ये स्कैन करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही फॉलोअप हम लोग बताते हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलोअप करना चाहिए। अगर हेल्दी बेबी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कुछ सीक बेबी होता है जिसको फॉलो फ्रिक्वेंट लगता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उसी टाइम ट्रीटमेंट का जो प्लानिंग होता है वो करना होता है। कुछ प्रीनेटल टेस्ट अगर करनी है, जैसे जेनेटिक टेस्टिंग हमको करना है तो 11 वीक्स पे ही होती है। जैसे IVF प्रेगनेंसी में ट्रिपलेट या क्वाड्रपलेट हो उसको भी हम लोग ट्विन प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है एनोमली या टारगेटेड स्कैन, जो 18-20 वीक्स के बीच में हम लोग कर सकते हैं। उसमें हम लोग मेजर एनोमलीज फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे प्रोग्नोसिस डिसाइड कर सकते हैं कि ये बच्चे का डिलीवरी के बाद या फिर सर्वाइवल कैसे होगा, वो हम लोग डिस्कस करके उसको कुछ नीड होती है ट्रीटमेंट की वो तभी से स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट वो प्लान कर सकते हैं। पहले के बेबी को हार्ट का अगर प्रॉब्लम हो तो भी फिटल इको करना चाहिए। IVF प्रेगनेंसी हो, डायबिटिक मदर हो, मेडिकल डिसीजेस हो या कई अदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मल बेबीज हो, उसमें भी हम लोग फिटल इको एडवाइस करेंगे। हार्ट का डिटेल इवेल्युएशन करके उसका जो मेजर है या माइनर है उसका सर्वाइवल कैसे रहेगा, ऑपरेशन कब करना है वो सब प्लान कर सकते हैं। उसके बाद का जो स्कैन आएगा वो डॉपलर एनालिसिस रहेगा, वो 7वें-8वें महीने से हम लोग डॉपलर कर सकते हैं। अगर लो रिस्क मदर है तो नहीं किया तो भी चलेगा, पर अगर हाई रिस्क मदर है तो स्क्रीनिंग डॉपलर से करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि 9वें महीने में बेबी अचानक मर जाए, स्टिलबॉर्न बेबी आए या फिर फर्स्ट वीक में ही डिलीवरी के बाद मर जाए, उससे अच्छा हम लोग पहले ही डॉपलर करके पता कर सकते हैं कि बच्चे को टाइमिंग ऑफ डिलीवरी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अभी बच्चे को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे का सर्कुलेशन इतना कम हो जाएगा कि बच्चा अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इंटरवेंशंस होते हैं वो अकॉर्डिंगली जैसे ही हम लोग फॉलोअप करते हैं, इवेल्युएट करते हैं हर प्रेगनेंसी को, उसको हम लोग स्क्रीन करके लो रिस्क एंड हाई रिस्क हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग इवेल्युएशन करने के लिए प्रीनेटल इन्वेजिव टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे पहले 12 वीक्स में कोरियन बायोप्सी करते हैं, 4वें-5वें महीने में हम लोग गर्भजल तपासनी करते हैं, और जो लास्ट 24 वीक्स के बाद जैसे 6वें महीने के बाद हम लोग बच्चे की नाड़ से ब्लड लेके जांच के लिए भेज सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग जेनेटिक कंसल्टेशन कर सकते हैं। जैसे मैरिज होने के पहले ही अगर आपके फैमिली में कोई डिसीज़ है जो कैरी ऑन हो रहा है परंपरागत, वो डिसीज़ का भी हम लोग डिस्कशन करके आपके बच्चे में या फ्यूचर प्रेगनेंसी में उसके क्या चांसेस होंगे, हम लोग नॉर्मल बेबी रहने के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं वो भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। और एक मैं बताना चाहूंगी कि एक फीटल ऑटोप्सी भी हम लोग करके अगर ये प्रेगनेंसी एबनॉर्मल है, वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी किस वजह से है, और सिर्फ कार्डियक हार्ट ही नहीं, हार्ट के अलावा टॉप टू बॉटम बच्चे में क्या क्या व्यंग है, अंदर के भी व्यंग हम लोग फीटल ऑटोप्सी करके फाइंड आउट करके एक कन्फर्म डायग्नोसिस दे सकते हैं, ताकि फ्यूचर प्रेगनेंसी में उसी को हम लोग कंसीडरेशन करके नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करना है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना डिटेल में हमको बताया कि अगर प्रेगनेंसी के बाद किसी भी तरह की फीटस में प्रॉब्लम होती है तो उसे आप ट्रीट करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, जिससे हमारा जो बेबी होगा वो बहुत हेल्दी पैदा होगा। तो ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे डॉक्टर कुंदा शाहने जी, जो कि एक फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट है। और फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट, फीटल मेडिसिन एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें जब आप बच्चा कंसीव करते हैं किस तरह की समस्याएं आती है प्रेगनेंसी के दौरान, उस समस्याओं को आप इस ट्रीटमेंट से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। बच्चा अगर हेल्दी होता है तो एक हेल्दी नेशन होगा। सो हेल्दी बेबी हेल्दी नेशन। और अगर आपको हेल्दी बेबी चाहिए तो प्रेगनेंसी के समय जिस भी तरह की प्रॉब्लम हो आप फीटल मेडिसिन के थ्रू उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो एपिसोड था आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं फिर मिलूंगी किसी और एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ऐसी ही किसी समस्या को लेकर, उसके समाधान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।